नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज की नई क्लास में स्वागत है। आपको सर ने पिछले क्लास में कुछ बेसिक पॉइंट कवर करवा लिए थे, कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात कर ली थी सर ने, तो हम आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज से एग्रीकल्चर भी मैं ही पढ़ाऊँगा, बायोलॉजी भी कवर मैं ही करूँगा और हम कृषि रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है वो भी मैं ही पढ़ाऊँगा। तो आप सभी आज की क्लास के लिए तैयार होंगे, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बेसिक पॉइंट तो आपने कल की क्लास में, सॉरी कल नहीं परसों ली थी, तो परसों की क्लास में कवर कर लिए होंगे। आज हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है पोषक तत्वों का वर्गीकरण। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं पोषक तत्व हैं उर्वरक के बारे में। तो आज हम टॉपिक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें नोट कीजिएगा कि पौधों को अपनी सामान्य वृद्धि और जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को अपनी वृद्धि और जीवन चक्र को चलाने के लिए, पूर्ण करने के लिए कुल 17 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उन तत्वों से ही पौधा अपनी वृद्धि और जीवन चक्र पूर्ण कर पाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि पौधों के ऊतकों में इन तत्वों की सापेक्षिक मात्रा या सांद्रण के आधार पर इसको निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। पौधों के ऊतकों में इन तत्वों की सापेक्षिक मात्रा, मतलब एक मिनिमम या निर्धारण की गई मात्रा या सांद्रण के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। नंबर एक है मुख्य पोषक तत्व और नंबर दो है द्वितीयक पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। मिनिमम कितनी आवश्यकता होती है? तो 1 ppm से अधिक, 1 ppm से अधिक मात्रा की इन पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बात क्लियर होगा। फिर पुनः इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है, प्राथमिक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई होप बात आपको क्लियर होगी। हमने बात की है कि पौधों को अपनी वृद्धि और जीवन चक्र को चलाने के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए और पौधों के ऊतकों में इन तत्वों की सापेक्षिक मात्रा, मतलब एक निर्धारित मात्रा होती है, उस आधार पर इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक है मुख्य पोषक तत्व, जो पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर मात्रा लिख रखी है 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है। फिर इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है, प्राथमिक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बात यहाँ तक क्लियर होगी बच्चों, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल और आसान टॉपिक है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक पोषक तत्व के बारे में। तो प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत जो तत्व आते हैं, नंबर एक है कार्बन, नंबर दो है ऑक्सीजन, नंबर तीन है हाइड्रोजन, नंबर चार नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। इनमें से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पौधों को प्राकृतिक रूप से हवा और पानी के द्वारा प्राप्त होते हैं। आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होती है, ऑक्सीजन एक क्रिया होती है, हाइड्रोजन आपको पता है। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पौधों को पानी और हवा द्वारा प्राप्त होते हैं। शेष तीनों तत्व विश्व की लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में कम मात्रा में पाए जाते हैं। शेष तीनों तत्व कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीन तत्व हैं जो विश्व की लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में क्या होते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से विश्व का उर्वरक उद्योग इन तत्वों को अधिक महत्व देता है, अतः इन्हें प्राथमिक या उर्वरक पोषक तत्व भी कहा जाता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा, प्राथमिक पोषक तत्व की परिभाषा आपके सामने है कि इस कारण से विश्व का उर्वरक उद्योग इन तत्वों को अधिक महत्व देता है,
जिस कारण से इन्हें प्राथमिक या उर्वरक पोषक तत्व भी कहा जाता है। बात क्लियर होगी, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर सेकंड है द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं, साथ ही प्राथमिक पोषक तत्व आप सभी को समझ में आ गया होगा लगभग, मैंने अभी बता दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट द्वितीयक पोषक तत्व। अगला है नंबर दो द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं, मैंने अभी जस्ट इस पॉइंट को दोहराया वापस। तो ये जो आवश्यक होते हैं वो कम मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं, 1 ppm से कम मात्रा में पौधों को चाहिए होते हैं। साथ ही नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम उर्वरक को भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। साथ ही नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम उर्वरक को भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक पोषक तत्व सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इस वर्ग में कैल्शियम मैग्नीशियम एवं गंधक जिसे हम सल्फर कहते हैं पोषक तत्व को भी सम्मिलित किए जाते हैं। इस वर्ग में द्वितीयक पोषक तत्वों के वर्ग में गंधक कैल्शियम मैग्नीशियम पोषक तत्वों को भी सम्मिलित किया जाता है। अगला देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व। इन तत्वों पोषक तत्वों की पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अतः इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ये क्या होते हैं, आयनों पर आवेश के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। आयन कौन कौन से होते हैं, ऋण आयन और धन आयन, दो प्रकार के होते हैं। तो उनको उन्हीं आयनों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब हम आगे वो दो भाग कौन कौन मैं आपको पढ़ाता हूँ। नंबर एक है धन आयन, जिसमें लोहा जस्ता तांबा मैंगनीज व निकल जैसे तत्व उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। ऋण आयन बोरोन मोलिब्डेनम व क्लोरीन जैसे तत्व इस श्रेणी में आते हैं, ऋणायन की श्रेणी में। धनायन की श्रेणी में लोहा जस्ता तांबा मैग्नीज व निकल आते हैं और ऋणायन की श्रेणी में बोरोन मोलिब्डेनम व क्लोरीन आते हैं। मृदा में अगला टॉपिक है मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। मृदा में गतिशीलता के आधार पर पहले हम पौधों के कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ये पढ़ लेते हैं, बाद में हम मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण जो किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो पौधों के कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को वर्गीकृत किया गया है कुल चार प्रकार से, आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व, नियामक व वाहक पोषक तत्व, उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व। चार भागों में विभक्त किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। आधारभूत या संरचनात्मक पोषक तत्व जो पौधों के आधारभूत संरचनात्मक संरचनाओं के संघटक तत्व होते हैं, जिन्हें आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। परिभाषा साथ ही साथ नोट करवाई गई है तो आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें बेहतर होगा। जैसे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। आपको एक नंबर में MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तत्व होते हैं जो आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। अगला है नंबर दो सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व जो होते हैं ये तत्व ऊर्जा भंडारण स्थानांतरण एवं ऊर्जा बंधन में उपयोगी होते हैं। ये तत्व क्या होते हैं, ऊर्जा का भंडारण करते हैं
स्थानांतरण करते हैं और ऊर्जा के जो बंधन होते हैं, बॉन्ड जो बनते हैं, उनमें उपयोगी होते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है कि ये जीवित उत्तकों के लिए बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण होते हैं। बात को समझेगा कि ये जीवित जो उत्तक होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू उनके लिए बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, गंधक, सल्फर आदि। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, गंधक, सल्फर आदि जो तत्व होते हैं वो सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ये तत्व ऊर्जा का भंडारण करते हैं, स्थानांतरण करते हैं और ऊर्जा बंधन का कार्य करते हैं, और ये जीवित उत्तकों के लिए बहुत सक्रिय एवं महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर आदि के लिए। बात यहाँ तक क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर तीन जो है, नंबर तीन है नियामक एवं वाहक पोषक तत्व। नियामक एवं वाहक पोषक तत्व क्या होते हैं? देखिए, ये पोषक तत्व कोशिका जीव द्रव्य में आवेश संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं। ये पोषक तत्व कोशिका के जीव द्रव्य और उनके आवेश संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं और नियामक व वाहक के तरह का कार्य करते हैं। नियामक व वाहक मतलब आदान प्रदान का कार्य करते हैं और जीव द्रव्य के आवेश का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। बात क्लियर होगी। नंबर चार है उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व। उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम व क्लोरीन जैसे तत्व जो किण्वक क्रियावर्धक और परिवहन में शामिल होते हैं, आदान प्रदान में या स्थानांतरण में शामिल होते हैं, उन्हें उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक तत्व की श्रेणी में आते हैं। उन्हें क्रियावर्धक या उत्प्रेरक पोषक तत्व भी कहते हैं। लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरन, बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, समझिएगा। जस्ता, तांबा, बोरन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन जैसे जो तत्व होते हैं वो किण्वक क्रियावर्धक होते हैं और परिवहन, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परिवहन कहलाता है। जैसे आप कहीं जाते हो घूमने के लिए, इधर इस यहाँ से उदयपुर से जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली गए, तो इस तरह से परिवहन का कार्य करते हैं और उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं और इन्हें हम उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व भी कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जो अगर नोट्स की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिखकर बताइए। आप ये सोच रहे होंगे सर हमें नोट्स नहीं दे रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, नोट्स हमारे पास में पड़े हैं, आप सिर्फ एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा नोट्स की आवश्यकता है। मेरे को नहीं लग रहा नोट्स की आवश्यकता, क्योंकि मैं नोट्स बना के ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए फिलहाल, लेकिन आपको यदि हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना। अगला टॉपिक है मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। मृदा में पोषक तत्वों की गतिशीलता पौधों के लिए तत्वों की उपलब्धता और उर्वरक प्रयोग विधि को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई उर्वरक दिया तो उसकी जो प्रयोग विधि जो होगी, हम उसको किस प्रकार से दे रहे हैं, सिंचाई के साथ में दे रहे हैं या अलग से छिड़काव विधि के द्वारा दे रहे हैं, ये इस मृदा में जो गतिशीलता के आधार पर तत्व जो होते हैं वो उनकी उपलब्धता और उर्वरक की प्रयोग विधि को प्रभावित करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगला है मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, गतिशील, कम गतिशील और स्थिर। गतिशील बात करते हैं, गतिशील के बारे में, फिर कम गतिशील, स्थिर, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, गतिशील तत्व ये मृदा विलयन में अत्यधिक घुलनशील होने के कारण गतिशील होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में घुल जाते हैं, और प्लस ये अपने कार्य की क्षमता करने में अधिक गतिशील होते हैं, मतलब क्रियाशील होते हैं और सभी मतलब घुल भी जाते हैं, पौधों को प्राप्त भी हो जाते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायक भी हो जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं गतिशील पोषक तत्व। इस कारण जड़ क्षेत्र से इनका ह्यास भी शीघ्र होता है। अधिक घुलनशील होने के कारण यदि बरसात के दिनों में आप देखिएगा कि खेतों में पानी इकट्ठा हो जाता है, बात सही है बिल्कुल,
बिल्कुल सही बात है कि बरसात के दिनों में, पानी के साथ में घुल जाते हैं और उनका ह्रास मतलब उनका निष्कासन भी शीघ्र हो जाता है। तो बात को समझेगा कि अधिक घुलनशील होने के कारण ह्रास भी निष्कासन भी इनका जल्दी होता है। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं? तो नाइट्रेट जो होता है NO3- वो सल्फेट SO4-2, बोरेट BO3-3, मैग्नीज Mn2+ एवं क्लोरीन Cl- ये इस वर्ग में शामिल होने वाले तत्व हैं। ये जो तत्व होते हैं वो निष्कासित अधिक होते हैं, अधिक निष्कासन वाले तत्व भी इनको कहा जाता है। तो गतिशील तत्व वे होते हैं जो जल्दी घुलते हैं और कब अधिक अत्यधिक घुलते हैं और अत्यधिक गतिशील होते हैं। बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इस कारण जड़ से इनका निष्कासन भी जल्दी होता है। तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट, मैग्नीज और क्लोरीन। आई होप बात आपको क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। आई मेरे को जहाँ तक लगता है आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अब आते हैं नंबर 2, कम गतिशील पोषक तत्व। ये गतिशील तत्वों की तुलना में कम गतिशील होते हैं और मृदा में कणों पर चिपके रहते हैं। अब इनमें क्या कमी है कि गतिशील कम है और मृदा में कणों पर चिपके रहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते और इनको घुलने में भी टाइम लगता है। तो ऐसे तत्व हैं अमोनिया NH4+, पोटेशियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम और तांबा। ऐसे तत्व जो होते हैं जो कम गतिशील होते हैं और प्लस घुलने में भी कम होते हैं। ये मृतिका के कणों पर, मृदा में मृतिका के जो कण होते हैं उस पर चिपके रहते हैं। अब आ रही है स्थिर पोषक तत्वों के बारे में। स्थिर पोषक तत्व क्या होते हैं? देखिए, स्थिर पोषक तत्वों में ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो आपको एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जस्ता एवं फॉस्फोरस, हम किसकी बात कर रहे हैं? जस्ता एवं फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। तो इसके जस्ता एवं फॉस्फोरस जैसे जो तत्व होते हैं वो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, मतलब घुलनशील भी अधिक, सेम गतिशील पोषक तत्व की तरह, और क्रिया करने में भी अधिक प्रतिक्रियाशील। तो मृदा में शीघ्र ही स्थिर हो जाते हैं, मतलब ये तत्व दिया और ये स्थिर हो गया। स्थिर का मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना स्थिर कहलाता है। तो इससे रिलेटिव एक टर्म्स आती है जिसे हम फॉरेस्ट क्षेत्र कहते हैं। पौध वृद्धि के लिए जड़ें जिस जड़ क्षेत्र से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, मतलब पौधे अपनी वृद्धि के लिए जिस जड़ क्षेत्र से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा वो वृद्धि कर पाते हैं, जीवन चक्र चला पाते हैं, भोजन बना पाते हैं, तो उस जड़ क्षेत्र को हम फॉरेस्ट क्षेत्र कहते हैं। बात समझिएगा कि पौध वृद्धि के लिए पौधे जिस जड़ क्षेत्र से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, अवशोषित करते हैं, उस जड़ क्षेत्र को फॉरेस्ट क्षेत्र कहा था। तो बात यहां तक क्लियर होगी। हमने आज मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण और हमने क्या बात की, बस यही 2-3 टॉपिक क्लियर किया आज की क्लास में। काफी आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।